कपकोट में भयू ग्राम पंचायत हाइडिल के समीप रहने वाले दो बच्चों की नाले में बह जाने से दर्दनाक मौत हो गई है। एक बच्चे का शव बरामद किया जा चुका है जबकि दूसरे की तलाश की जा रही है। कपकोट हाइडिल के समीप रहने वाले प्रकाश राम के पुत्र 10 वर्षीय मोहित तथा 8 वर्षीय सुमित जंगल गए हुए थे। वहां से वापस लौटते वक्त भालूगाड़ नाला पार करने के दौरान उनका पैर फिसल गया तथा वह नाले के तेज बहाव के चपेट में आकर बह गए। यही नाला आगे जाकर सरयू नदी में मिलता है। कपकोट पुलिस, फायर ब्रिगेड तथा SDRF की टीम ने ग्रामीणों की मदद से सरयू नदी से एक बच्चे का शव बरामद कर लिया है जबकि दूसरे की तलाश की जा रही है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। इधर जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव, विधायक बलवंत सिंह भोरियाल व चंदन राम दास तथा पूर्व विधायक ललित फरसवाण ने प्रभावित परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। जो आज यहाँ पर घटना हुई है, कल रात भयंकर बारिश होने के कारण कपकोट क्षेत्र में जो भालूगाड़ नामक जो हमारा गधेरा है उसको पार करते सुमित और मोहित नाम के दो बालक यहाँ से पांव फिसलने से, वो अपनी घर की ओर आ रहे थे तो पांव फिसलने से अचानक नदी में बह गए, जिसमें जो उनका बड़ा बालक है वो तो मिल चुका है, छोटी वाले की अभी जो पुलिस हमारे NDRF की टीम है, जो प्रशासन यहाँ पर लगी हुई है, छोटे वाले की बॉडी अभी ढूंढने को पूरे नदी किनारे वो तत्पर हैं। और इस घटना से जो भी हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी दैवीय आपदा, हम इसको कह सकते हैं कि जो भी राहत कोष, जो भी राहत इनके परिवारजनों को अब दी जानी चाहिए उसको देने के लिए हमने बात की है। अवश्य रूप से इस घटना में जो इनको मुआवजा दिया जाएगा, जो भी इनको राहत कोष वहाँ से दिया जाएगा, उसके लिए हम आगे बात करेंगे और इनको जरूर, इस परिवार को हम संवेदना व्यक्त करते हैं इन परिवार के लिए। सर, कल शाम बहुत तेज बारिश थी और अभी भी मौसम खराब है, ऊपर से नाला पार करते हुए जानवरों को जंगल लेने गए थे, बच्चे हाँक रहे थे बच्चे जंगल को, और उसी टाइम ऊपर से गधेरे का बहाव में बच्चे जो है बह गए। जैसे आज एक घटना की सूचना मिली है कि ये आपके कपकोट क्षेत्र में दो बच्चे जो है नाला पार कर रहे थे और उनके पैर करने से नदी में बह गए, जिसमें से बड़े लड़के का बॉडी मिल चुकी है, छोटे की तलाश कर रहे हैं हमारे SDRF फायर तथा हमारा जो है बागेश्वर के पूरी पुलिस टीम और प्रशासन के लगे हुए हैं। जैसी कि बड़ी दुखद घटना हुई, बताया जाता है कि दोनों भाई हैं तो इसकी खोजबीन हो रही है। हमारी SDRF है, फायर की टीम लगी है कपकोट की और बागेश्वर की, तथा जल पुलिस हमारी लगी है, इसके अलावा हमारे जो सिविल पुलिस के हमारे कांस्टेबल हैं वो भी लगे हुए हैं। ये तो जैसा कि देख ही रहे हैं कि नदी में गदला पानी भी है और इसकी खोजबीन हो रही है, ये तो कि सभी टीमें हमारी लगी हुई हैं और थोड़ा सा कठिनाई हो रही है क्योंकि गदला पानी है, एकदम दिखाई देना संभव नहीं हो रहा, लेकिन हमारी टीम हर जगह पर लगी हुई है, ऐसे पॉइंट पर जहां पर से बहाव कम है। CCN न्यूज के लिए कपकोट से तनुज तिलुआ की रिपोर्ट।